क्योंकि इसकी सफाई हो चुकी है, अभी एक चारपाई डालनी है। अभी जो है ना सामान हमारा जो है ना ये रखा है, तो इसकी भी सेटिंग करनी है क्योंकि ऊपर जो है ना वो बक्सा रखा है और कपड़े खिले पड़े हैं, और सेफ में भी कपड़े की सेटिंग करनी है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। ये तार के बैटरी नहीं है, पुराने वाले बैटरी जेड़ा होण जा पर वो फट जान। कंट्रोलर भी तो नहीं है आपका? नहीं, वो खुद साहब कंट्रोल कर गिन रहे तगड़े हैं। तो अभी मैं फ्रेश फ्रेश हो चुका हूं, अहमद जा रहा है शहर, तो उसके साथ जाऊंगा, वो तंदूर लेना है। तो आपको मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं, आप बच्चों के जो है ना कुछ चीज़ें जो लेनी है अपने घर की ज़रूरत की, जैसे कंघा नहीं है, शीशा नहीं है, कॉटन नहीं है, सुर्खी नहीं है, जो चीज़ भी होती है ना वो ले आओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर हम बच्चे भी सब ठीक हैं, सब बहन भाई की दुआ। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल का हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को वॉच करें। तो माशाल्लाह शहरी का टाइम हो चुका है, हम भी आदर हो चुके हैं, अभी जो इंशाल्लाह शहरी की खाना बनाना शुरू कर दिया। तो मैं जो है ना पहले आटा गूंथती हूँ, आटा गूंथ के फिर जो है ना रोटी बनाऊँगी, पाँच सात जो है ना चला जाएगा। दही लेने के लिए कुछ दूध दही या फिर दही है वो भी इंशाल्लाह ले आएंगे, आपसे शेयर करेंगे आप रहने हमारे साथ। वीडियो कॉल बात करें, वीडियो से कॉल करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंशाल्लाह आता हूँ फिर वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दही और दूध जो है ले आया हूँ। अभी रोटियाँ बनाना शुरू नहीं किया? आटा गूंथ के रख दिया, अभी जा रही खाते हैं। अच्छा अच्छा चलो सही है, इनको बर्तन में डाल दो। ये दूध है, ये दूध है, नहीं तो बर्तन धोना चाहिए, तेल वाला तो उस बर्तन में डालेंगे। माशाल्लाह सोने की रूटीन देखें, रात ही जो है ऐसे चार पाइयाँ डाल के सब सोए हैं। माशाल्लाह से आग जला ली है, चाय बनाना शुरू कर दे। हाँ जी, पहले मैंने कहा चाय बना लो, फिर जाना रोटी बनाएंगे। अभी चाय बन रही है, पानी डाल दिया और पत्ती भी डाल दिया, बॉयल होने के बाद जाना दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड कर दिया है, पानी हमारा जो है ना अच्छा खासा बहुत हो गया है, दूध मैंने ऐड कर दिया, अभी जो है ना शुगर ऐड करता हूँ। दो इसको दो उबाले आएंगे, फिर जो है ना उतार लेंगे, फिर बनाएंगे रोटी। और जो है ना चाशनी कर रही है, अभी धुआं आता है खुद। चल बंद ले आई है आज सारी वजह ना, जैसे चल है ना डकरे वाली हवा इधर उधर से आती है ना, तो इसलिए धुआं होता है। जो बंद चल होगी ना फिर नहीं आएगा। आज जो है ना जलते हैं, आज चले गए उधर से सीमेंट वाली चूल्हा जो बना हुआ था ना वो ले आएंगे। चूल्हा भी तो रोटी बना लो, तो शाम वाला जो अफतारी वाली जो है ना उस चूल्हे पे बनाएंगे। सही है ना? सही है। माशाल्लाह तवे चढ़ा दिया, चाय रेडी हो गई है, टाइम भी 40 मिनट रह गए हैं, आज लेट हो गई है। तुम आसरा किया मेरा, मैं तो दही ले आता, तो आप रोड का आसरा नहीं किया, मैं बस हाजरा मुझे बुलाया था, मैं उठ गई तो आपको बुलाया, मैंने कहा दही ले आओ। अच्छा अच्छा, मैं आटा तुम ले आओ, तो मैं उस टाइम उठी, टाइम जल्दी जा रहा है, पता भी नहीं चला, 3:15 बजे हम उठे ऐसे ना।
सुकून नहीं है ना, असल न्यू जगह पे काम करना होता है ना, सामान इधर उधर करना, सेटिंग करनी सामान की, रात ही गंदम हुई पड़ोले में डाल दिया ना। मुझे जुकाम हो गया रात ही, ठंडा पानी पिया तो तबीयत, पानी पिया है आखिरी, मैंने नहीं डाली, दो सुरके डाले थे आपने, तीन चार तीन सुरके दो सुरके में डाली, दो बटो आपने डाला वो भी औखे डले। क्योंकि रोजा अफ्तार करके फिर जाना कोई काम करना होता है ना, तो जाना ठंडा पानी पियो या कोई, तो वो ठंडा पानी फ्रिज वाला लगा हो या पी रहे थे उस टाइम तो मजा दिया उसने, जो पानी पीते रहे, हाँ दो दो तीन तीन गिलास ठंडा पानी पीते रहे, ले आओ ले आओ, बाद में उन्हें पता दिया है जो पानी जैसे बुखार चढ़ रहा है। मुर्गा अजान दे रहा है, वो कहते हैं टाइम हो गया जल्दी करो। उठ जाओ रोजेदारो, रोजेदारो जाओ, टाइम हो गया है अभी लेट ना करो, हम तो उठ गए हैं, जिसने उठना है उनको उठाओ, हम सबसे पहले उठते हैं ना, हमारे जिम्मे काम जो है दही लेना दूध लेना, खाना बनाना है सबको खिलाना है, अभी तो हम उठना ही है जो टाइम भी आ जाए, हमारी तो आदत बन गई है। आज सोलवा रोजा है, आज माशाल्लाह सोलवा रोजा, आधा माह रमजान गुजर गया, आधा माह रमजान गया, बाकी आज आधा ले चीनी में पाए गयो, पर ले तो पहला रोजा आधा का सही है, पत्ता भी नहीं चला बोलते ही दीवार लू ही से मौक वैसे तो यही बस, बच्चे लोग ने रोज कहते ईद के कपड़े ले रहे हैं, बाकी थोड़े देर रह गए ना, तो उनके कपड़े लेने हैं अभी, सिलाई भी करनी है किधर, टाइम कम है, काम भी करते हैं रोजे की अफ्तारी भी कराते हैं, तो खाने बनाने होते हैं, ये भी टाइम निकाल के कपड़े उनके सिलाई करेंगे बनाएंगे लेके आएंगे तो बनाएंगे। अच्छा अभी आपको दूँ आज है ना रोटी, अपन जान को दो ये उसकी रोटी है, दही डाल के ताज़ी रोटी बनती जा रही है, उनको दे रहे हैं रोजेदारों को, रोजे रख रहे हैं भाई के लिए, असद भाई और तौफीक, हाँ दोनों को दे दो, दही भी दे दो और रोटी भी दे दो, हाँ के लिए बना रहे हैं, जो जब वो उठेंगे उनके लिए भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या रोटी बन गई है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग सारी खा रहे हैं, अब्बू जान भी सारी खा रहे हैं, चले ये आपकी बारी है आप करो, ये दाल तो खांसी कर दिया गुजराती, दाल कर दिया है, पानी कर दिया है, पानी कर दिया है, दाल तो गर्म होती है चना वाली, और ठंडा पानी पिया है, ये गर्म खाई है ऊपर ठंडा पानी पिया है, ऊपर जाने पहले रोजा था पूरे दिन का, इसीलिए ना जैसे अंगारों पे पानी जाता है ना तो वो धुआं निकालता है, मैदा भी ऐसे होता है ना, बस आज सर में दर्द है और बुखार की तरह बना हुआ है, अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह, अभी तो सहरी करो, अबू जान ने सहरी कर ली है, अभी ये सहरी कर रहे हैं और तैयार कर भी आ चुका है, और हम भी सहरी कर रहे हैं, सारा रोटियां बना रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह बना रही हूं, ताजी ताजी रोटियां बना के देती हो तो ऐसा सहरी के लिए, हां जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है माशाल्लाह, ताजी बना के देती हूं, कि ठंडी तो नहीं है, नहीं गरम है, गरम गरम रोटी, ठंडी ठंडी नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह जी सैरी कर ली है। रुखसाना जो है फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी रोटी बना के दी है। ऐसे हाँ जी अभी भी बांध रही है। जल्दी सैरी कर लो, रोटी बच्चों की बाद में बनाना। बना लिया ये देखे, सारा भी खत्म हो गया। रात आधा किलो बनाई थी। हाँ जी लेके ऐसा करना, जब दाल खीर पा बनानी है कम पड़ गई। रोटी बना ली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की खाना बना लिया है, बच्चे जो है स्कूल जाएंगे। हाँ जी सही है, चलो भी बना के रख दिया एकदम सब। अभी सारे बर्तन के खिल रहे पड़े हैं, बस अभी उठते हैं करते करते हैं। क्या काम है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है, बच्चे लोग भी माशाल्लाह सकून चले गए हैं, उनको भी नाश्ता खिला दिया है और खर्ची वगैरह दी है, तो वो जो है ना सकून चले गए हैं। हम जो है ना अपने घर का काम जो इंशाल्लाह है वो भी आपसे शेयर करते हैं कि क्या काम करना है। तो ये देखें ये पूरे सहन पे जो है ना मैंने झाड़ू लगा दिया है। अभी रोज़ेदार जो है ना रोज़ा रख के सो गए हैं, तो ये इस साइड मैंने चार पाया जो है ना अंदर में डाल, इस साइड वाले जो है ना चार पाया मैंने अंदर डाल दिया है, अभी उस साइड वाली पड़ी है क्योंकि उधर जो है ना सोए पड़े हैं, इसलिए जो है ना वो मैंने उठाया। तो अभी जो है ना ये सहन की सफाई हो चुकी है और वो कच्चे सहन की भी सफाई हो चुकी है, तोड़ता वो अभी जो है ना अंदर का माहौल चेक कराते हैं। इस रूम की सफाई हो चुकी है और चार पाया भी डाल दिया है मैंने और दूसरे ये देखिए इधर जो है ना तकिया और रजाएं जो है ना इकट्ठी करके रख दिया और वो जो है ना सोए पड़े हैं। अभी जो है ना सफाई इधर भी पूरी मुकम्मल हो चुकी है और चलते हैं तीसरे कमरे में, वो भी आपसे शेयर करते हैं। देखिए इसकी सफाई हो चुकी है, अभी एक चारपाई डालनी है। अभी जो है ना सामान हमारा जो है ना ये रखा है तो इसकी भी सेटिंग करनी है क्योंकि ऊपर जो है ना वो बक्सा रखा है और कपड़े खिले पड़े हैं, और सेफ में भी कपड़े की सेटिंग करनी है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी जो है ना बाहर का माहौल ये देखें, ये जो है ना हमारे बर्तन रखे हैं इधर, जो है ना बर्तन कुछ उठा लिया है मैंने खाने पीने वाले, हाँ खाने पीने वाले बर्तन जो है ना उठा लिया है, वो जो है ना मैं रुक के पर रख दिया धोने के लिए। ये सब्ज़ी वाली टोकरी में रोटी रख दी, अभी थोड़े से आलू रखे हैं, सब्जी भी लेनी है। तो इधर जो है ना चलते हैं किचन में, ये देखे किचन का माहौल। अभी किचन की सफाई कर दी है मैंने क्योंकि ये जो है ना ईंटें लगी हुई है, अभी ऐसे लगती है जैसे कचरा पड़ा है, तो अभी जो है ना इसकी सफाई कर ली है। ये जो है ना ईंटें रखी है, आज जो है ना न्यू चूल्हा लेके इधर रखेंगे, ये ईंटें जो है ना उठा लेंगे क्योंकि चूल्हा जो है ना अच्छा नहीं लगता, पता भी नहीं चलता चूल्हा है कि ईंटें रखी है, तो बस मजबूरी से जो है ना खाना बनाना है तो वो जो है ना ईंटें रख के बना लेती हूँ। अभी जो है ना ड्रम्मी आटे वाली भी इधर खड़ा दिया, आटा भी रखा है ऊपर, जो है ना ये देखे बर्तन भी रखे हैं रोटी खाने बनाने वाले। तो ये जो है ना सेटिंग हमारी किचन की इंशाल्लाह अभी मुकम्मल नहीं हुई, ये भी इसकी मुकम्मल सेटिंग हो जाएगी फिर जो है ना आपको शेयर करेंगे। अभी जो है ना इस सहन पे ये देखें, ये जो है ना पूरी मुकम्मल झाड़ू झाड़ू लगा दिया और सफाई भी कर दिया है। अभी जाते हैं नल पे, अभी जाते हैं नल पे, उधर जो है ना मैं बर्तन इकट्ठे करके रख लिया है, वो भी धोते हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं कितना बर्तन रखे हैं। अभी देखिए ये बर्तन हमारे नल पे रख दिए मैंने धोने के लिए, अभी ये जो है ना धोने हैं। तो ये जो है ना सुमैया और बुशरा जो है ना इधर ये मट्टी बना रही हैं, क्या करना है, चूल्हा बनाना है। हाँ जी चूल्हा आपने चूल्हा बनाना है इस मिट्टी का, ये क्या मिट्टी अच्छी मिट्टी है, चीकी मिट्टी है। अच्छा ये जो मिट्टी है ना विवर्क, ये बहुत अच्छी मिट्टी है, चीकी मिट्टी है, ये जो है ना इसको पानी लगाए ना ये ऐसे बन जाती है खुद, हाथों पे भी नहीं उतरती, कट,
हाँ सूख जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसे ये देखें ये जो है ना सूख जाइए। हाँ ऐसे कूटना है। हाँ इसको जो है ना हाँ पीसी करके फिर जो है ना इसको पुसाएंगे, पुसा के इसको जो है ना चूल्हा बनाएंगे। ऐसा नहीं ये रहती नहीं पड़नी, नहीं ये नहीं उसमें रलानी, ये रेती रल जाएगी तो वो अच्छी चूल्हा नहीं बनेगा। अबू ये मिट्टी का चूल्हा बनाना है, इसका नहीं बनाना। बुशरा आप झगड़ा करती हो। ऊपर देखो, ऊपर मैं सलाम कर दूं आंटी अंकल को। अभी जो है ना ये वालेकुम सलाम, फिर करना ऊपर देख के। बुशरा मैं तो देख के ना सलाम करूँ सीधा, वालेकुम सलाम। अभी जो है ना ये नींद से उठे हैं, इसकी तैयारी नहीं हुई मुकम्मल, तो अभी बर्तन वगैरह धोने हैं इंशाल्लाह, वो धो के इनको जो है ना नहलाएंगे, इसकी तैयारी भी कराएंगे। अभी जो है ना जैसे जैन पड़ी बनी रख, जैन जैसे होता है वैसे सिर बना कर बैठी है, क्योंकि सोते हैं ना बाल जो है कुछ बड़े बड़े हैं तो वो जो है ना खिले पड़े हैं सारे, तो इसलिए जो है ना अजीब सी लगती है सुमैया और बुशरा। अभी इंशाल्लाह बर्तन धोते हैं, बर्तन धो के फिर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ये भी अभी चारपाई अबू जान की है, अभी वो उठ के अंदर सो गया है, तो ये जो है ना उठाएंगे। पहले जो है ना मैं बर्तन धोती हूँ, फिर जो है ना ये चारपाइयाँ उठाऊँगी। तो आप सब हमारे साथ रहना, वीडियो कॉल बात करनी, वीडियो से पिकनिक करनी। आज देखें हमारे घर का माहौल, विज़िट कैसे लगता है आपको, पूरा घर का विज़िट कराया है। अभी ये जो है ना सेटिंग करनी है, क्योंकि ये जो है ना चारपाइयाँ टूटी पड़ी है, ये रखी है, ये भी इंशाल्लाह ऊपर रखेंगे, इसकी सेटिंग भी बनाएंगे, ये भी आपको इधर नीचे नज़र नहीं आएंगे। तो अभी इधर जो है ना मैं एक तनाव बनाऊंगी इस साइड में कपड़े धो के खड़ाने के लिए, तो फिर जो है ना कपड़े धोना शुरू करूंगी। तो ये जो है ना इंशाल्लाह ये देखें ये पूरी मुकम्मल, अभी मशीन हमारी जो है ना बाहर खड़ी है, तो कपड़े भी धोने हैं इंशाल्लाह, तना बना के फिर जाना कपड़े धोऊंगी। पहले जाना मशीन लगाओ, पहले जाना बर्तन धोते हैं, बर्तन धो के फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप सब हमारे साथ रहना, वीडियो फॉलो बात करनी, वीडियो से पिक नहीं करनी। अभी बुशरा और सुमैया की हो रही है खिजमत, सर में जो है तेल पाया जा रहा है। हाँ जी ये इन्हें कल लगाया था शैम्पू के साथ, तो अभी जाना तेल पाया जा रहा है। अच्छा बुशरा आप भी पाओगी तेल? इसको भी डालो। अच्छा पोनिया शोनिया लगाओगे? नहीं है अभी लेने जाएंगे। अच्छा शहर। अच्छा इधर सब आए, मत भी आए हुए है, वो आए हैं माशाल्लाह। आज मोटर लगवा दी आपकी, फरमाइश पूरी हो गई थी कल जो आपने कही, ठीक किया है आपने। आपने कहा बच्चे लोग चलाने वाले होते हैं ना, सुबह पानी की परेशानी थी, मैंने कहा कैसे चलाऊं, मुझे डर तो नहीं आता। अच्छा बटन चलाना होता है मोटर, बटन का मुझे पता भी नहीं था, ये काल बनवाया था आपको बटन का भी नहीं पता कहाँ दबाना होता है? अपने जैसे अपना सिस्टम वैसे बनवाया है क्या? नहीं नहीं ये तो वो लगाते हैं, बस तार लगाएंगे हम। वो वाला सिस्टम अच्छा है वो यार, हम गरीब बंदे हैं, बटन शटन वाला नहीं लगवाते हैं, गुजारा ऐसे आप बस तार सिंबार देते हैं बस ब्याह क्या। तो ये ना यार वो तार तेरी बची लाती है, जिथो कर मोटर बिजली लाते उथू ला के बोर्ड तक तकड़ा और टोटा तार नवा रखे चो लाती कंधी ते, वो मोटर के ऊपर लगी हुई है, उतो काट लिया ना उन्होंने मिस्त्री ने, बोर्ड से काट के उसको कट्ठी करके मोटर के साथ लगाते ना ये काम आ जाते, लेकिन उधर से भी काट लिया। चलो वो वाला टुकड़ा ना अभी मोटर जब उठाएंगे ना मोटर के साथ तार उठाएंगे, वो उठा के चले गए, इधर एक मिनट भी नहीं रखी है, बाद में ये लगाई मोटर ले गया मुंशी। आपका मुंशी मुझे कहा कि मैंने कहा, उसने कहा ये तार का टुकड़ा जो ये रखा, मैं ये भी ले जाना उनके काम का, हमारे क्या काम का, हम तो बस लगवा लिए न्यू बिजली, नहीं तो ये बच्चे लोग लेके बुशके वालों को बेच देंगे ना। हमारे बच्चे नहीं बेचते, कल जो इन्होंने वायरिंग की है तो सारे टूटे पड़े हैं, कहाँ से टुकड़े टुकड़े अलीपुर वाले बुशके वाले भी वो लेते हैं तारे वगैरह, वो हर चीज ले लेते हैं। अच्छा मिट्टी अंदर शरबत बनाई बैठे, बांध थी वैसी, वे कल दवाई जो लेने गए थे
ट्रीटमेंट हो गई, ट्रीटमेंट ट्रेट या ट्रीट असा जट बने बस जिमे सब डान दे बस दांत साफ ठीक है तू सता तो कर यो टू बॉश पीसो की आख्या भी कोलगेट कोलगेट तो चले गए बुड़ा बेछड़ा बे वाले जब अंदर मुंह सारा सोज हो जाए फलवे हो जाए फिर तो डॉक्टर के पास फिर क्या बुड़ंबे काम करेंगे नहीं नहीं वो पीप निकाल लेते हैं बड़म्बे भी बीमारियां जो है ना वो पहले बीमारियां और होती थी ऊपर वाली साइड पे ना इतना सारा वो फलकना बन गया था। मजे की बात है आप अगर पिछले जमाने में जाते हैं ना तो खाने भी पिछले जमाने में लेके आए फिर पिछले जमाने के जो खाने होते थे दही मक्खन लस्सियाँ चटनियाँ वो सारी चीजें सालन कुछ होते मिसाले होते नहीं थे सारे वो तो अब जब चीजें चेंज होगी तो साफ जरा अब ये भी चेंज करने पड़ेंगे अगर हाँ। बड़ी चीजें खाते तो फिर ये बुड़म्बा काम करता हाँ। सही है सही बात है अल्लाह शिफा दे। अच्छा आज शहर नहीं जाना क्या? मैं जा रहा हूँ अभी अहमद जा रहा है। खैर तो है वो यार पैसे देने हैं ये जो मकान बन रहे ना इनके पैसे देने हैं और काफी लोगों के हैं पैसे देने वाले मतलब जिन जिन से काम करवाया ना सबके पैसे देने हैं तो अभी सैलरी आई है तो था सबको ना जितने जितने आएंगे थोड़े थोड़े सबको दूंगा फिर हाँ। अगले उनको कहूंगा अगले महीने का इंतजार सैलरी आई है ना थप 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 होगी सबको दूंगा सबको थोड़ी थोड़ी थप थप बांट दूंगा जिसके सार में कर्जा हो ना वो थप थप उसको पता उसको पता चलता है। अच्छा ये ना बस असल में ना लोग तो ऐसे कर देते हैं ये ऐसे कर दो ये वैसे कर दो किसी को कोई मसला कहते हैं अहमद के पास जाओ उसको कहो ये ऐसे कर दे असल जो ना रुखसाना आदि है तनूर लवा दे थी के तो चोल नवी घिना दे ते मैं के शहर वे तो तनूर तो चावना पति डाडे बुढड़े कलो तो मोटरसाइकिल तो नहीं आ सकता जिले कार तो मैं के वे सोला पर तनूर दिगी रखियो तू डाडे कलो तो चले वो तो ले आएंगे बाकी मैं ये बोल रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे फुर्सत होती तो पहले इसको बनवा के फिर शिफ्ट हो जाते बात यही है ना कि अभी फुर्सत नहीं है अभी तो इस जगह के भी पैसे देने हैं कुछ इस जगह के पैसे देने हैं आपने जो है ना असल ज्यादा ये बेच रहा था ना इसलिए वो मजबूरी थी उसकी भी उस भाई की मजबूरी थी उसने कहा यार मेरी मजबूरी है आप जितने पैसे हैं दे दो बाकी फिर दे देना मेरी भी मजबूरी टल जाएगी और आप भी चले आपके काम आ जाएगा तो चले आज आप आज काम आ गया ना चले फिर कोई बात नहीं है मसला नहीं चलो साफ सुथरा जगह तो है ये जो है ना ये नहीं कि अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन ये है कि मैंने ना वो चीजें जो है ना ज्यादा ले ली जिसकी वजह से कर्ज हो गया ये है चले कुछ महीनों में सारा कुछ सेटल हो जाएगा अभी छह महीने साल यकीन नहीं करें पिछले महीने मैंने दो मन दाने बेच के मैंने गुजारा किया दो मन दाने बेचे थे गंदम बेची थी भाइयों को दी थी हाँ भाई मैयुद्दीन ने ली थी मैयुद्दीन भाई की नहीं थी तो वो हमने लेके ना घर का राशन लिया था बाकी ये है दो चार महीने हैं इंशाल्लाह उसके बाद जब हम हमारे सही हो जाएंगे देखने वाले कहते हैं कि जितना पैसा इनके पास अब ये है ना अब कहते हैं ये घर है वो घर बन रहे हैं वो घर बन रहे हैं वो घर है गाड़ी है सब कुछ ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह है सब कुछ है लेकिन अब चीजें ज्यादा लेने से ना फिर थोड़ा सा कर्जा हो गया उसकी वजह से जो है थोड़े हो गए इंशाल्लाह फिर हालात सेट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है ये पाकिस्तानी देखने वाले हिसाब से तो ज्यादा उनको लगता है ये मकान इतने के लिए है लेकिन जो बाहरले मुल्क वाले सिस्टर हैं या भाई हैं देखने वाले उनके लिए ये कुछ नहीं है इधर क्योंकि मकान सस्ते हैं प्लाट भी सस्ते हैं 8-7 लाख में प्लाट ले लो तो ये मकान भी 10-12 लाख में मिल गया है कुछ ज्यादा रकम नहीं है उनके लिए ये तो इतना इमदाद ही दे देते हैं किसी गरीब को ये लो गाड़ी ले लो 10 लाख दे दिया 15 दे दिया ये उतने के ये मकान है कोई ज्यादा पैसों के नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए के ये है हम गरीबों के लिए ये भी तो हमारे लिए तो इतने ही काफी है ना मैंने कहा था चले आप बैठे इंशाल्लाह तो जैसे ही इस जगह का और बाकी जो है ना कर्ज वगैरह उतरेंगे ना फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर इस पे जो है ना फिर काम करेंगे ये घर वैसे सही बना हुआ है जैसे एक नक्शे के मुताबिक होता है ना बिल्कुल सही बना हुआ है लाइन में कमरे हैं फिर ये बरामदा हो गया उधर किचन हो गया ये टोटल सहन हो गया हर चीज वैसे परफेक्ट बनी हुई है टोटल ये जब एक बार इसको हम डेंटिंग पेंटिंग सारा इंशाल्लाह काम ओके करेंगे ना क्लियर करके इसको इंशाल्लाह पेंट वगैरह भी करेंगे कलर भी करेंगे ना उस टाइम देखना इस घर ये जो साथ वाले घर बने हुए हैं आपने जो बताया था ये तो सेल है ना हाँ जी
ये इस साइड पे घर खड़े हैं, 10 मरले का घर है, वो भी बेचते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अहमद हमने सुना मकान लेते हो, मैंने कहा मैंने जो लेने थे ले लिए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लेना आप, मैंने कहा एक मरला भी कहो ना मैंने अभी नहीं लेना, फुर्सत का हिसाब है ना। अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम भी ले लेते ना। कितने का तकरीबन मिलता है ये? 20 लाख में मिल जाएगा? उसकी रकम ज्यादा बताइए। 4 पता नहीं 5 कमरे हैं उसके, बरामदा वगैरह नहीं है। 5 कमरों को लाइन में है? लाइन में ऐसे है, जैसे लाइन में है। हाँ लाइन में। तो उसका मेरे ख्याल में वो 60-70 लाख मांग रहे हैं। वो तो खैर ज्यादा मांग रहे हैं, इतने की नहीं है जगह, जगह होगी तकरीबन 25-30 लाख की, क्योंकि मैं जगह बनवा रहा हूँ ना, मुझे पता है। हाँ 30 लाख की पक्की है। प्लाट भी है और 10 मरले का प्लाट है, 5 कमरे हैं। मैं जगह बनवा रहा हूँ ना, ये वाली मेरे पास था 5-5.5 लाख रुपए था। मैंने कहा ये कुछ ना कुछ ऐसे तोड़ कसोड़ मैंने कहा बनवा लूंगा। अब जगह पता ही नहीं था कि यार इतना पैसा लगेगा, 5 लाख मेरे पास था, मैंने जगह शुरू करवा दी, अब पैसा लग गया इस पे 30 लाख रुपए। महंगाई है, 25 लाख रुपए जो है ना वो अब जो है ना वो कर्ज हो गया। तो अब ये इंशाल्लाह, तो ये है कि इंशाल्लाह थोड़े थोड़े दे रहे हैं जैसे जैसे आ रहे हैं। मसला है असल में ये भी हो जाएगा, कोई नहीं टेंशन नहीं लेते, ये है रात को नींद नहीं आती टेंशन से, और कुछ नहीं है, अल्लाह पाक देने वाला इंशाल्लाह। कंघी कहाँ हो गई है? अब रुखसाना आपने सिर्फ एक चूल्हा, एक तंदूर और कोई शहर का काम है? तो काम तो है, बच्चों की शॉपिंग नहीं करनी क्या? वो ईद ईद के कपड़े लेने हैं। हाँ तो कब उनके कपड़े लेंगे, सिलाई करेंगे, बनाएंगे? प्यारे बहन भाइयों आप सुन रहे हो, तो हमने बच्चों के लेने हैं कपड़े। अगर जिसने रुखसाना को थोड़ी इमदाद करनी हो कपड़ों के लिए, तो जल्दी जल्दी से पैसे भेज दो, ऊपर दिन भी 14 रह गए हैं। क्योंकि मेरी जेब में थे ना इतना पैसे, मैंने वो किराया दे दिया है, 6-7 हजार तो किराया ले गए रक्षे वाले। ऐसे नहीं करना। और इधर आए न्यू जगह पे और चीजें में कुछ लगाने के लिए कुछ पैसे लग जाते हैं ना, तो इतना होते तो फिर हम कपड़े ले लेते। चलो खैर ना भेजना, नाराज ना होना, खुद ले लेंगे। ईद जो है ना हम भी नहीं कर रहे किसी की शॉपिंग। हाँ क्योंकि बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, बाकी हमारे भी न्यू सूट है, वही पे ईद पे हमारे बच्चों के नहीं है, ये है जो पहनने वाले हैं इनके। ऐसा करते हैं ना, बड़ों के नहीं लेते, बच्चों के जो है ना, जैसे सुमैया है, बुशरा है या सकूल वाला है, इनके ले लेते हैं बस। इस टाइम जो है ना बच्चों की ईद, बकरा ईद पे फिर शायद हालात सही हो, 3 महीने बाद होती है ना। हाँ फिर जो है ना मैंने कहा सभा को फिर अपनी हम एक नंबर शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे पहले करते थे 1 महीने में 2-3 बार शॉपिंग करते थे जब होती थी। अभी तो बस कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अगली जगह ली है, प्लाट लिया है, अपनी जगह है, सब कुछ है इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ये कोई नहीं है। वो बकरा ईद पे जो है ना इंशाल्लाह फिर हम लेंगे, बच्चों के वैसे रखे हुए हैं। चले अब हम जा रहे हैं अभी घर, मैंने जाना है शहर तो। अच्छा चलना है तो मेरे को तनूर चवैया में नाल जुलदा जाना है, मैयुद्दीन भाई ने सरप्राइज लेना है कोई, उसके साथ जाना है। रात में उसने बताया था बाइक लेनी है, भाई भी कह रहा था वो जाएगा तो उसको ले चलना, सामान भी लेना था, वो तो उधर मिलता है। कौन सा? क्या वो नहीं रात उन्होंने बताया? हाँ जो कढ़ाई लेनी है या भट्टी लेनी है, उसने कहा आप तभी आपकी खत्म है वो, फिर मैंने कहा कढ़ाई इकट्ठे मैंने भी लेने हैं थोड़े से बर्तन, फिर वो इकट्ठे चलेंगे फिर ले आएंगे। चलो ठीक, पता कब जाओगे? बर्तन वाले उधर ही चलेंगे। हम इंशाल्लाह जाएंगे, इसने कहा अभी 24 है 2025 में जाएंगे, उस टाइम तक तो हमारे रोटी नहीं बनेगी, 1 साल बाद हम जाएंगे। तो 1 साल बाद तो इधर ये ऐसे कहती रहती है हम कौन सा जा रहे हैं, इसको तो मैं रोज ऐसे सोते हुए बताता हूँ सुबह जाएंगे, फिर सुबह कहता हूँ शाम को, फिर शाम को कहता हूँ सुबह। नहीं तवा तो लेके दोगे ना, तवा सारा खराब हो गया, रोटी जल जाती है, इसलिए तो हम गुजारा कर रहे हैं तवे पे। वो हम भी ऐसे, हमारा तवा है लेकिन तवे टूट गई है, तो हम कहते हैं गर्मी है तंदूर लगवा लें इस तवे से रोटी पकाने के लिए। सारे तंदूर तैयार है, आज मैं रुखसाना को तरी मरी ले सा
अफतारी वाला खाना बनावणे ना सबडे माड हो ते तंदूर खड़ोडे ले सो सफारे ने घर आटा चाय जी नु बलाउ थई के देखो मोटरसाइकिल ते चाय जी सा बला सा चाय सोनी ने घर दे नाल ते कंसे बैठे सफारे ढेर सारा हां ढेर सारा तंदूर की रोटी और होती है जो होटल ते मिसाल बनवा है आटा घर से ले जाते ना होटल पे तंदूर पे रोटियां लगवाते हैं तो खुद चले जाए तंदूर है वो पैसे पकाने के बच जाते हैं। अच्छा। कुछ सोचा करो दिमाग से कहे ना जाओ आप जो है ना वो तंदूर ले आओ थापिया भी ले आओ थापिया है आज तो एक गट्टू ले आए ना वाले को कहे ना इधर डाल देगा वो तेरी जेडी भेण है ना कल रोजा रखी थे सुती पी ते पता है सड़े रहोगी आवाज पैसे चावाज आवाज पैसे थापिया चावा वो जहरी कहीं थी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋ ਛਿੱਕੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਥਾ ਵੀ ਗਾਲ ਅਡਿਓ ਦਾ ਵਲ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਗੰਦਿਆ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਚੈਨੇ ਪੈਣ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਾਰੀ ਗਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਫੇਟ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਜਨਾ ਉਹਦੀ ਰਣ ਕੋ ਟੱਕਰ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੋ ਸਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੰਨ ਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨੋ ਬਲਾ ਬਲਿਆ ਹੈ ਪੈ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਾ अच्छा चले प्यारे बहन भाइयों आपको ये मैं बताया था रात ही हम पड़ोले में गंदम डाली है उधर जो रखी थी देखो अब नजर नहीं आ रही तो वो हमने डाल दिया इसलिए जो मुझे बुखार आ गया रात ही और मजे की बात बताऊं जो मोटर थी ना बिजली वाली वो भी हमने ये देखो ये प्लेटें ये तार और अभी अभी मिस्त्री आया था ये डीसी मोटर लगवा ली बैटरी वाली सही है क्योंकि बिल ज़्यादा आता है गरीब बंदा कहाँ जाए फिर इसलिए हमने ये भी लगवा ली ये काम ज़रूरी था ये भी कर लिया है चलो ठीक है अभी मिलते हैं थोड़ी देर अभी मैं फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ अहमद जा रहा है शहर तो उसके साथ जाऊँगा वह तंदूर लेना है सही है ना है। तो आपको मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं आप बच्चों के जो है ना कुछ चीज़ें जो लेनी है अपने घर की ज़रूरत की जैसे कंघा नहीं है शीशा नहीं है कॉटन नहीं है सुर्खी नहीं है जो चीज़ भी होती है ना वो ले आओ सबक मैं कहता हूँ उधर जा रहा हूँ फिर वो आएगी आपके साथ जाएगी फिर जो आप शॉपिंग करके ले आओ सही है फिर ले आओगे फिर शाम वाली वीडियो में इंशाल्लाह ये शॉपिंग दिखाएंगे हैं हाँ जो ठीक हो गया हाँ जी ठीक हो गया इंशाल्लाह सबा को भेजो मैं जब तक तैयारी करती हूँ वो भी आ जाएगी हाँ जी फिर इंशाल्लाह हम चले जाएंगे उधर जो इंशाल्लाह शाम को शाम वाली वीडियो में इंशाल्लाह देख बैठ जाओ शोर नहीं करना होता अल्हम्दुलिल्लाह अभी जा रहा हूँ अहमद के पास तो उन्होंने जाना है शहर तो इकट्ठे जाएंगे महियुद्दीन का भी काम है मेरा भी काम है उनके साथ गाड़ी में जाऊंगा तो रुखसाना कह दिया जो तंदूर और जो कनक चूल्हा सीमेंट वाला वो भी लेना है वो भी लेके आज उनको देता हूँ तो आप सब ने साथ रहना है ये देखिए जंगल इसमें जानवर भी बांधे हुए हैं ये देखिए कितनी बड़ा घना जंगल है इस जंगल से गुजरना होता है झाड़ियाँ हैं सारी इधर देखें काम माशाल्लाह प्लास्टर शुरू हो चुका है अस्सलाम वालेकुम ये कितना चाहिए ना अच्छा अंदर स्टोर थी ना बंद रोड है नवी सिल डुकरा को नहीं पिया चलो फाइनली पहुंच चुका हूं तो सबा इधर चली गई है देखते हैं कहां है सबा वो इधर आना आपकी अम्मी को मैंने पैसे दिए हैं उसने कहा मैंने करनी है शॉपिंग अच्छा। तो सबा को कहना वो कह रही थी साथ जाऊंगी अच्छा तो आप जाओ फिर उधर अच्छा
चलो दादी लोग अभी आए हैं काम करने के लिए। वो भी जाएगी साथ में। कौन? खाला? हाँ। चलो मैं तो मुंशी भैया बहन को यहाँ पे बिठाती फिर मैं जाऊँगी। सही है। गाड़ी का दो बार सही है तेरे का बैटरी का। अभी मैं किसी टेम से बात कर रही हूँ। सुना सुना क्या है? ठीक है। हाँ और ना बैटरी चाहिए। बैटरी यार बैटरी सड़िया हुआ जलिया हुआ बैटरी नहीं दे पे तो सा क्या? नहीं मुझे तो नहीं पता। ये वाली बैटरी नहीं आपकी खत्म है ना? नहीं अभी मैं अभी गुजारा कर रही है हमारा, क्योंकि ये ले गए ना फिर गुजारा हमारा सारा खत्म हो जाएगा। ये तो है, मेरे पास दो बैटरियां पड़ी हैं उसमें से एक, क्योंकि ये बैटरी जो है ना ये घर का काम चल रहा है, जैसे खत्म होगा ये वाली बैटरी खरीदर आ जाएगी, न्यू ली है जो, ये वाली फिर बेच के खर्चा करेंगे। मेरी जो वो दूसरी रखी है ना वो न्यू है यार, ये पिछले जो जो बैटरी भी फटी हुई है बेच के मुंशी को तनख्वाह देनी है। सच मुंशी? दो चार पहिया रखी है और नहीं नहीं कर्जा देना है 17-18 लाख रुपया, फिर जो है ना ये बैटरी बेच के ना कुछ कर्जा नहीं देना, कुछ और देना है यार। सारे को पता है मेरे कर्जा का कर्जा है चढ़िया जो पे लोग उधारे चाहिए खड़ा चाहिए खड़ा और पता लगे दुकान वाले दा तेरा मुंशी हमें पता है टियर गाडा वाले आंज रोंदे पर वो भी आंज रोंदे पर सुबह सुबह वो हाफिज ने फोन किया कहता है मैं भाई हम याद हैं हां याद हो पता ना 25-26 डेट को आएगी मेरी सैलरी तो है ना क्या आप बहुत अच्छे हो। हाँ, तो मैंने कहा सुबह सुबह नींद था फोन आया उसका। अच्छा मैंने कहा यार आज आऊंगा आपको मिलूंगा परेशान ना फिर उनको देने जाऊंगा साथ में बैठे हैं पलंबर वाले मुंशी को क्या लोड़ है ना इनकी शादी हुई ना अभी इनके कोई बच्चे हैं ना कोई मुंशी को नहीं दूंगा फिलहाल। हाँ अभी जब शादी होगी ना इसको तब दूंगा इकट्ठे पैसे देना है शादी करने हैं ये खा जाएगा तो मैं कहता हूँ ये इधर खड़ा कर दे तो बेहतर है वैसे भी मेरे 2-3-4 महीने में हालात सेट हो जाएंगे फिर मैं इसको ज्यादा दे दूंगा बस फिर आपकी शादी होगी कपास में अभी कड़े के बाद कपास आने वाली है ना आप तमाम में शादी करोगे या कपास में या गंदम में ये कड़े खत्म करके अभी खत्म करके फिर बीटी कपास बीजते हैं ना इस कपास में होगी यार फिर भी तुझे 3-4 महीने लग ही जाने 5-6 महीने लग जाने ये आसान होता है बात करना लेकिन आके जब जाएंगे मुलाकात करेंगे बैठेंगे बात होगी काफी दिन हो गए निकाह इनका करके हो सके पर ले फिर न जाए मुंशी इधर से गया तो फिर वापस नहीं आया पक्का हुआ पड़ा है वो मियां बीवी ने बिल्कुल आपस में पक्का कर लिया उन्होंने रिश्ता है आपका बाप बदल जाए सबके जो चीजें बदल जाए हम दोनों नहीं मियां बीवी बदलेंगे प्यार है क्योंकि जब निकाह है तो मियां बीवी है ना वो नहीं मसला लेकिन ये है कि रुख्सती होती है तब एक रिवाज है ना रस्म है लेकिन निकाह के बाद वो मियां बीवी बन जाते हैं ये होती है एक रुख्सती ये एक वो है हर किसी का अपना अपना वो हर किसी की रस्म में होती है अब आपने देखा होगा जो बड़े शहरों में है निकाह होता है उसके बाद वो चले जाते हैं अपना दोनों इकट्ठे रह जाते हैं अच्छा वो दूध फेंक गया और पति भी नहीं है इसको बोले यार 2 नंबर दूध क्यों ले के आते हैं वो मैं बताती हूँ रात फ्रिज बंद करती थी ना तो इसी वजह से वो खराब हो गया जब फ्रिज बंद होती है तो ऊपर वाले खाने में रखा ऊपर वाले में रखा अभी मुंशी दूध ले आता है फिर चाय बनाओ इसके लिए वो मिस्त्री काम जो करते हैं ना वो चाय पीते हाँ वो रोजा नहीं रखते सारा दिन सारी तकारी करते हैं ये मोटरसाइकिल खड़ी है इस पे बैठो दूध ले आओ यहाँ इस बाइक पे चलते ये चलता होता तो आपको ले जाता ये बड़ा वो है अम्मी जान को भी ले गया अगले दिन अबू जान इस पे जामे शीरी लेके आए आज वो जा रहे थे इसको ये ही दे देते इसका ना वो बटन खराब हो गया कल वो इधर हमसाई है उसका वजन है 135 किलो तो वो जब बैठी ना तो इसकी शाखें भी टूट गई साथ में वो इसका वो जो होता है नीचे वो नहीं होता नीचे वो एक्सल भी टूट गया इसका बटन भी खराब हो गया वरना इसकी स्पीड भी अच्छी है बंदा जल्दी से सौदे सामान वगैरह ले आया सही है चले सही है यहाँ पर वीडियो का एंड करने पे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए इजाज़त सही है ना अल्लाह हाफिज़।